जय श्री कृष्णा। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और यदुवंशियों के बीच भी कलह उत्पन्न होने लगा, तब श्री कृष्ण ने महसूस किया कि उनके अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया है। उनके जीवन का अंतिम समय नजदीक आ गया था। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का प्रमुख कारण गांधारी का शाप माना जाता है। जब गांधारी ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने पुत्रों और कुल का संहार देखा तो उसने दुखी होकर श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार से उनके कुल का विनाश हुआ है, वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के इस शाप को स्वीकार कर लिया। आपने एक बात तो सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरा अपने पूर्व जन्म में बाली था, जिसे त्रेता युग में भगवान राम ने मारा था। यह घटना कर्म के सिद्धांत को भी दर्शाती है कि जीवन और मृत्यु का चक्र कैसे चलता है। दरअसल ये जरा कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग का वही बाली है जो श्री कृष्णा ने मारे थे। जरा ने छुप छुप के उस हिरण के नजदीक जाता है। इस हिरण की मौत मेरे हाथों लिखा है, मरने के लिए तैयार हो जा। जब कर्मों का हिसाब करने बैठते हैं तो भगवान श्री कृष्ण खुद को भी नहीं छोड़ा। जब जरा शिकारी उनके पास आया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी तो श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया।